आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। रिपब्लिक टीवी की टीआरपी चोरी सबूतों समेत धरी गई। इंडिया टुडे का नाम लेकर अपने घोटाले पर पर्दा डालने वाले रिपब्लिक टीवी को पुलिस ने सच समझा दिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक जांच में इंडिया टुडे को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं। ज्वाइंट कमिश्नर के मुताबिक रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों के खिलाफ सबूत हाथ लगे हैं। मिलिंद बरांबे, ये बताइए, एफआईआर में कुछ चैनलों का नाम लिया गया, इंडिया टुडे वगैरह का, लेकिन आज जब सीपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 3 चैनलों के नाम लिए, रिपब्लिक और 2 दूसरे चैनल। ये बताइए ऐसा क्यों हुआ, एफआईआर में क्या दिखाई दिया गया और इन्वेस्टिगेशन से आपको क्या पता चला? ऐसा है, एफआईआर में इंडिया टुडे चैनल का नाम लिया गया है, लेकिन उस एक्यूज्ड को जब हमने इंट्रोगेट किया, तब उसने इंडिया टुडे का नाम ना लेते हुए रिपब्लिक टीवी, फर्स्ट मराठी और बॉक्स सिनेमा, ऐसे 3 चैनल्स का नाम लिया। ये हमने जो हाउसहोल्ड जहां पर ये प्रोबेबल मैनिपुलेशन हुआ है, वहां पर जाके जब उन हाउसहोल्डर्स का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उन्होंने भी ये 3 चैनल्स का नाम सब्सटेंशिएट किया। तो इसलिए अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसके हिसाब से ये 3 चैनल्स के खिलाफ एविडेंस बरामद हुए हैं, लेकिन हमारा तफ्तीश का एंगल ये अभी भी पूरा ओपन है। अभी भी हमको और भी जो जो एविडेंसेस बाकी चैनल्स के खिलाफ भी या इंडिया टुडे या कोई और चैनल के खिलाफ भी अगर एविडेंस मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से आगे जाएगा। यानी आप कह रहे हैं अब तक आपको इंडिया टुडे चैनल के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, हालांकि उनका नाम एफआईआर में लिया गया था। जो एविडेंस आपको मिला वो ये 3 चैनल है, रिपब्लिक और 2 चैनल, इसलिए सीपी साहब ने इन 3 चैनलों का जिक्र किया। क्या ये सच्चाई है कि अब तक जो आपको एविडेंस मिला है वो केवल इन 3 चैनलों के खिलाफ मिला है? एग्जैक्टली, अभी तक ये 3 चैनल के खिलाफ एविडेंसेस मिला है और हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है। तो जैसे जैसे एविडेंस कलेक्शन होते जाएगा वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होते जाएगा। मिलिंद बरांबे जी, आपने आज तक और इंडिया टुडे से बात की, आपने क्लैरिफाई किया है कि इन 2 चैनलों के खिलाफ अभी तक आपको कोई सबूत नहीं मिले, जो सबूत मिले हैं रिपब्लिक और 2 अदर चैनल्स के खिलाफ मिले हैं, इसलिए एफआईआर एक तरफ, आप इन्वेस्टिगेशन पर जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन से ये 3 चैनल का नाम लिया गया है। एक बार फिर मैं ये स्पष्टीकरण चाहता हूं ताकि कोई डाउट किसी के मन में रहे, सही है जो मैंने कहा? यस, बराबर है। एफआईआर सेट्स द बॉल इन मोशन, एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, बट इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज सब्सटेंशिएटेड। इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई पुख्ता सबूत होना बहुत जरूरी है, तो एज पर द एविडेंस कलेक्टेड इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीड होगा और इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ओपन। और हम आपको आगे उस चश्मदीद की बात भी सुनाएंगे जिसकी आड़ लेकर रिपब्लिक टीवी बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि टीआरपी की हेराफेरी में पकड़े गए 4 आरोपियों को आज 13 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उधर क्राइम ब्रांच ने भी टीआरपी मापने वाली संस्था बा को नोटिस भेजा है। नोटिस भेजकर क्राइम ब्रांच ने जहां जहां रिपब्लिक टीवी की भूमिका संदिग्ध है उससे जुड़े दस्तावेज मांगे हैं, जिस पर बाक ने लेटर लिखकर क्राइम ब्रांच से जरूरी जानकारी साझा की है। मुंबई पुलिस को बाक के पूर्व कर्मचारी और इस केस में आरोपी विशाल भंडारी की भी वो डायरी मिली है जिसमें उन लोगों का जिक्र है जहां टीआरपी मीटर्स लगे हैं। और रिपब्लिक टीवी ने झूठ के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। तेजल सोलंकी का नाम लेकर रिपब्लिक टीवी ने यह झूठ फैलाया कि उसे इंडिया टुडे ने फोन किया। वहीं तेजल सामने आई और सच बोला तो रिपब्लिक का सफेद झूठ पकड़ा गया। तेजल जी, आपको सबसे पहले पूछताछ कब हुई थी आपके साथ? कल साढ़े दस बजे से 11:30 बजे तक मुझे कॉल आ रहे थे। नहीं नहीं,
पूछताछ मतलब कि जून जुलाई के आसपास ही हो रहा था। वो हंसा रिसर्च कंपनी के कुछ सर आए थे और उसने बताया था कि ऐसा कोई चैनल आपको देखने के लिए किसी ने बोला है, तो हम लोग ने ना बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग को। फिर विशाल तो वो हंसा रिसर्च का जो बंदा रहता है वो हर बार बैरोमीटर चेक करने के लिए आते हैं, हर बार अलग अलग आते हैं। तो विशाल बैरोमीटर आपके यहाँ पे 7 साल से हाँ। तो ऐसा आपको 7 सालों में कभी किसी ने बोला कोई चैनल देखने के लिए पर्टिकुलर? नहीं, कुछ पैसे कभी मिले इतने? नहीं, कभी भी नहीं मिले। तो जून के महीने में आप कह रहे हो कि सबसे पहले इंक्वायरी हुई थी, हाँ। उस समय आपने क्या इंडिया टुडे का नाम लिया था उस समय? नहीं, मैंने कभी भी नहीं लिया उस समय भी नहीं, नहीं। क्योंकि पूछताछ में हंसा वाले कह रहे हैं कि उस समय आपने इंडिया टुडे का नाम लिया था। नहीं मैडम, मैंने नहीं लिया था। आपके घर में इंडिया टुडे है? नहीं, अभी नहीं है। मेरे घर पे भी इंडिया टुडे नहीं है। जो मैं बैलेंस भरवाती हूँ उसमें, हाँ। तो बैलेंस में मेरे इंडिया टुडे का चैनल ही नहीं आता है। अच्छा, पहले कभी देखा था इंडिया टुडे? नहीं, कभी भी नहीं देखा। कभी भी नहीं। आपके घर में इंग्लिश चैनल देखते हैं? कभी कभार बच्चे लोग देखते हैं। कौन सा? कभी कभार। वो मैडम मुझे ऐसा नहीं पता है। अच्छा, तो ये अभी आपको जब ये पूरी इंक्वायरी जब मुंबई पुलिस की शुरू हुई, वो कब से शुरू हुई? कल से हाँ। तो मुंबई पुलिस के अधिकारी आए आपके पास? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? यही कि इंडिया टुडे के बारे में आपको कुछ जानकारी दी है, आपके बारे में कुछ बता रहे हैं, ऐसा वैसा सब। तो उसके बाद आप ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार, उस स्टेटमेंट के अनुसार इंडिया टुडे आप देखते हो, उसके लिए आपको पैसे मिले हैं, ऐसा आपने स्टेटमेंट दिया था कभी? नहीं, कभी भी नहीं दिया है। और आप इंडिया टुडे देखते भी नहीं? नहीं, मेरे चैनल मेरे टीवी में आता ही नहीं है, क्योंकि वो जो बैलेंस में भरवाती हूँ उसमें इंडिया टुडे जैसे कोई चैनल आती ही नहीं है। अच्छा, तो टीआरपी गुलजारले में रिपब्लिक टीवी का नाम पुलिस फाइल में दर्ज हो चुका है। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था कि रिपब्लिक समेत 3 चैनल्स पैसे देकर टीआरपी का फर्जीवाड़ा कर रहे थे और उनके पास इस बात के सबूत भी हैं। परमबीर सिंह साहब, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास ये केस दरअसल कैसे आया, आपने कैसे इस मामले की तफ्तीश शुरू की और आपके पास क्या सबूत है कि रिपब्लिक टेलीविजन टीआरपी जो होती है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, उस बिजनेस को मनीपुलेट और रिग और फिक्स कर रहा है? कमिश्नर साहब, हमारे पास कंप्लेंट बीएआरसी से आई थी, उनके लिए एक एजेंसी काम करती है हंसा नाम की, जो कि बैरोमीटर्स लगाए जाते हैं टीआरपी मेजर करने के लिए, उनको मैनेज करने का काम, उनको मेंटेन करने का काम और रेटिंग मेजर करने का काम करती है। हंसा ने अपने कुछ एक्स एम्प्लॉयज के खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करी कि उनके ऊपर उनको सस्पिशन था एंड वो टीआरपी मैनिपुलेशन का काम कर रहे थे कुछ चैनल्स के साथ मिलकर, और इसमें उन्होंने कुछ नोटिस किया था कि कुछ चैनल्स की एक्टिविटी सस्पिशियस दिखाई दे रही है, रेटिंग सस्पिशियस दिखाई दे रही है। इसके ऊपर से हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि एक तो उनका एक्स एम्प्लॉय थे और कुछ और एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं हंसा के या बीआरसी के, जो कि इस रैकेट में इन्वॉल्व थे। और पहले तो दो छोटे चैनल हमारे नोटिस में आए थे, एक तो फख्त मराठी नाम का, एक बॉक्स ऑफिस नाम का, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। उनके जो दो ओनर्स थे इन दो चैनल्स के, उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है। दो एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज हंसा के ऑलरेडी हमारी कस्टडी में हैं, उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कुछ हमको डेटा दिया कि कुछ जो हाउसहोल्ड्स थे उनकी एक्टिविटी भी सस्पिशियस दिखाई दे रही थी, जिस प्रकार से उनका टीवी व्यूअरशिप था वो भी सस्पिशियस दिखाई दे रहा था। और बीएआरसी के एक बड़ा चैनल रिपब्लिक है, उसकी भी जो रेटिंग्स है उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दे रही थी। और जब हमने कुछ इस प्रकार के हाउसहोल्ड्स को जाके कॉन्टेक्ट किया, उनको लेके आए पूछताछ के लिए, तो उन्होंने बताया कि उनको पैसे दिए गए थे और रिपब्लिक टेलीविजन ऑन रखने के लिए अपने घर में, वो घर में हो या ना हो। इनफैक्ट ऐसा भी सामने आया कि इनमें से कुछ लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो इंग्लिश का चैनल देख रहे थे रिपब्लिक, तो ये पैसा देके टीआरपी को मैनिपुलेट किया जा रहा था। इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग
दो नॉन बेलेबल केसेस दाखिल हैं 409 एंड 420 ऑफ आईपीसी में। हमारी क्राइम ब्रांच आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसीपी सांडबोर को इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, उनके साथ एक सीआईओ की टीम दी गई है, यानी कि ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कमिश्नर साहब, आपको ये आरोप साबित करने होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, एक टेलीविजन चैनल में नहीं, एक डिबेट के दौरान नहीं, बल्कि एक अदालत में। हम आपसे जानना चाहेंगे और तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको आज तक और इंडिया टुडे पर देख रहे हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास कितना पुख्ता सबूत है यह आरोप साबित करने के लिए कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टेलीविजन देश की जनता के साथ धोखा कर रहे थे, लोगों को पैसा देकर अपना चैनल दिखा रहे थे और रेटिंग सिस्टम को फिक्स करने की ये कोशिश कर रहे थे। आपके पास एविडेंस कितना स्ट्रांग है कमिश्नर साहब? हमको बीएआरसी ने कुछ जो सस्पिशियस पैटर्न था टीआरपी का, वो हमको उन्होंने पहले बीआरसी ने दिया रिपब्लिक के बारे में, फिर हमको कुछ विटनेसेस मिले हैं जिनको पैसा देके और टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको ये चैनल देखने के लिए किया गया था। ऑलरेडी विटनेस आ गए हैं हमारे पास, बीआरसी से हमारे पास रिपोर्ट आई है। इसके अलावा आगे का हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, ऑलरेडी कुछ एविडेंस आ चुकी है और एविडेंस इकट्ठा करने का काम शुरू है। हमारे पास समय है, हम जिस प्रकार से हमारी एविडेंस आती जाएगी उस प्रकार से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा एंड अल्टीमेटली वी विल ट्राई एंड मेक अ साउंड प्रूफ केस, अ फुल प्रूफ केस। कमिश्नर साहब, हम चूंकि एक तरफा खबर नहीं दिखाते हैं, हम दोनों पहलुओं को दर्शकों के सामने रखते हैं, इसलिए मैं आपसे रिपब्लिक टीवी के डिफेंस, उनका जो वक्तव्य आया है उसके बारे में भी पूछना चाहूंगा। रिपब्लिक टेलीविजन कह रहा है कि चूंकि उन्होंने मुंबई की सरकार के खिलाफ, मुंबई की पुलिस के खिलाफ खबरें दिखाई, आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे खबरें दिखाई, इसलिए आपका एजेंडा है या आप उनकी जर्नलिज्म से, उनकी पत्रकारिता से नाखुश थे, इसलिए एक एजेंडे के तहत उनको टारगेट किया जा रहा है। इस आरोप पर कमिश्नर साहब आपका क्या कहना है? इस आरोप पर तो मुझे हंसी आती है। एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म कौन कर रहा था ये सभी को मालूम है। कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया किस प्रकार से एक एजेंडे को ड्राइव कर रहा था मुंबई पुलिस को डिफेम करने के लिए, मुंबई पुलिस को पब्लिक में मुंबई पुलिस की इमेज खराब करने के लिए। डेफिनेटली कवरेज ऑफ सर्टन चैनल्स वाज वेरी वेरी एजेंडा ड्रिवन। वी हैव नो एजेंडा, आवर एजेंडा इज ओनली अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड नथिंग मोर देन दैट। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि अगर रिपब्लिक टेलीविजन कहे कि हमने पैसे नहीं दिए, हम इन आरोपों का खंडन करते हैं, हम तो आप पे मानहानि का केस करने वाले हैं, ये साबित कैसे होगा कि वाकई में रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर लोगों को ठगा, दर्शकों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, पैसे देकर लोगों को कहा कि आप हमारा चैनल देखिए, या प्रूफ कैसे करेंगे? क्योंकि इस तरह की कोई भी पेमेंट कैश में हुई होगी, लाजमी तौर पर कोई चेक काट के अपने साइन के साथ तो नहीं करेगा ऐसी पेमेंट। यही हमारा इन्वेस्टिगेशन है, वी विल डू अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा एंड कुछ एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी आई है और आज तक शायद ही कोई आरोपी है जो खुद आकर बोलता है कि हमने गुनाह किया है। प्रत्येक आरोपी तो गुनाह डिनाई ही करता है, वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर होता है कि एविडेंस इकट्ठी की जाए एंड जो जिनके खिलाफ एविडेंस मिलती है उनको प्रोसिक्यूट किया जाए एंड दैट इज व्हाट वी प्लान टू डू। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कमिश्नर साहब कि आप समन जारी करने वाले हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट, उनकी मालकियत पर, तो आप समन कब जारी करने वाले हैं और अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा? जो भी उनके अधिकारी हैं इस सब्जेक्ट से डील करते हैं या टॉप मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स हैं, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उनको समन किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ समन आज ही जारी कर दिए जाएं। आप कह रहे हैं कि आज ही समन जारी हो सकते हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट के खिलाफ कि आप आइए मुंबई पुलिस के सामने, तमाम जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दीजिए। कुछ समन तो आज अवश्य जारी हो सकते हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि दो जो बाकी चैनल है उनके मालिकों को आपने गिरफ्तार किया है, अगर आरोप वही है, सबूत वही है, तफ्तीश वही है, तो ऐसा क्यों कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे को नहीं? वहां डायरेक्ट एविडेंस ओनर्स के विषय में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस था,
यहाँ जहाँ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कौन बेनिफिशियरी है, कितना फायदा हुआ है, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिलेगा उनको बुलाया जाएगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिछले कितने दिनों से आपकी ये तहकीकात चल रही थी, साथ ही साथ मुंबई के कितने इलाकों में ये फैला है, क्योंकि कई लोग जानेंगे कि क्या ये एक ही कोई केस है, क्या किसी एक ही डिब्बे में, किसी एक ही घर में ये हुआ, या आपको लग रहा है कि टेलीविजन रेटिंग को फिक्स करने का जो स्कैम है रिपब्लिक टेलीविजन का, वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी मुंबई शहर में चल रहा था? तो मैं कहूंगा ये कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई शहर में ही हो रहा हो, ये देशव्यापी स्कैम भी हो सकता है। मुंबई में तो करीब 2000 तक के बैरोमीटर्स लगे हैं और पूरे देश में 30,000 से अधिक बैरोमीटर्स लगे हैं। सो छोटा सा भी उसका अगर उसको अगर मैनिपुलेट किया जाता है, उसका असर टीआरपी रेटिंग पर बहुत पड़ता है और उसका असर रेवेन्यू के ऊपर पड़ता है। इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू मनी, इनटू रेवेन्यूज। तो ये एक चीटिंग हुई है एडवर्टाइजर्स के साथ, अलग अलग एजेंसीज के साथ, और उसी प्रकार का गुना हमने दाखिल भी किया है। जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनको इसकी कितनी जानकारी थी या वो सिर्फ इस स्कैम के विक्टिम्स हैं और उनको कितना नुकसान हुआ है, उनसे भी ये पूछताछ की जाएगी। जो इस केस में अक्यूज नंबर वन है अर्नब गोस्वामी, वो ये आरोप लगा रहा है कि वो एक तो बेगुनाह है और दूसरा साथ ही साथ वो ये आरोप लगा रहा है कि वो आप पर मानहानि का मुकदमा करने वाला है, कि आप पर्सनली, चूंकि उनकी कवरेज आपके खिलाफ रही है इसलिए आप उनसे नाखुश हो और आप पे वो क्रिमिनल डेफिनेशन की बात कर रहा है, अक्यूज नंबर वन। किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, वो उनका अधिकार है, करें अवश्य। आखिर में कमिश्नर साहब ये बताएं, तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या मुंबई के पुलिस कमिश्नर कॉन्फिडेंट हैं, क्या उनको विश्वास है कि ये जो बहुत ही बड़े संगीन आरोप आपने लगाए हैं उनको आप एक अदालत में, टेलीविजन चैनल पर नहीं, बहस के दौरान नहीं, जज के सामने अदालत में साबित कर पाएंगे? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि वाकई में ये केस अदालत में खड़ा हो पाएगा? अदालत में खड़ा करने के लिए हमारे पास 3 महीने का इन्वेस्टिगेशन का समय है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उनके खिलाफ कुछ एविडेंस आई है। इन्वेस्टिगेशन का कार्य होता है आगे की एविडेंस इकट्ठा करना, वो इकट्ठी एविडेंस की जाएगी और जिसके विरुद्ध एविडेंस आएगी, आरोप सिद्ध होंगे, उनको चार्जशीट किया जाएगा और प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। टीआरपी घोटाले में हमने चश्मदीद से बात की, जिसने रिपब्लिक टीवी के झूठ का पर्दाफाश किया। चश्मदीद ने माना कि उसे इंडिया टुडे नहीं बल्कि रिपब्लिक टीवी की तरफ से बार बार चैनल देखने के लिए फोन आ रहा था। हाँ तेजल जी, मैं साहिल बोल रहा हूँ इंडिया टुडे से। हाँ बोलिए सर। ये आपका हमने अभी फोनो सुना, आपको हमारे तरफ से किसी ने कॉन्टेक्ट किया था क्या कभी? नहीं सर। तो आप शांति से सोच के बताइए, फिर आपने उसमें ये बोला कि आपको, आपके बच्चों को किसी ने कांटेक्ट किया था। वो मुझे कुछ रिपब्लिक से फोन आया था और हाँ। उसमें बार बार फोन कर रहे थे 10 बजे के बाद कि फोन आया था, फोन कर रहे थे मुझे, ये चैनल चैनल आ रहा है, देखो आप देखो, ऐसे बार बार मुझे बोल रहे थे, पर मेरे में सब्सक्राइब ही नहीं है। आप कह रही थी आपके पास इंडिया टुडे सब्सक्राइब नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, तो आपको किसी ने कुछ पैसे दिए हैं आपके बच्चों को किसी कोई चैनल देखने के लिए, इंडिया टुडे या किसी को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, नहीं सर, कभी किसी ने भी नहीं बोला है। आपको अगर चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज सकती हूँ अभी। आपके आपने इंडिया टुडे को, आप इंडिया टुडे देखे ऐसा करके आपको कभी किसी ने फोन नहीं किया, ये आपका कहना है? हाँ। इससे पहले भी कभी नहीं किया या अभी कभी नहीं किया? नहीं, इससे पहले भी कभी नहीं किया उसने। कभी नहीं किया? कभी भी नहीं, नहीं। ये विशाल नाम का कोई आदमी आपको कभी फोन करता था क्या? सर विशाल तो ये क्या बैरोमीटर वाले आते थे ना, वो बैरोमीटर वाले विशाल आ रहा था, वो विशाल का कोई आ नहीं रहा था। अच्छा, उसका फोन कुछ भी फोन नहीं आ रहा था। लेकिन कोई चैनल देखने के लिए उसने कभी आपको नहीं बताया? नहीं बताया सर। अच्छा, तो फिर रिपब्लिक को जो आपने दिया है वो आपको फोन कर रहे थे इसके लिए आपने बताया, ये आपका कहना है? इंडिया टुडे बोल रहे थे सर, वो मुझे बता रहे थे कि, मुझे लगा कि ये इंग्लिश चैनल हो गए थे सर, ऐसा लगा कि बच्चे लोग देख रहे होंगे, तो मैंने बोला कि हाँ बच्चे लोग देखते होंगे, ऐसा ही बोला था फिर मैंने। अच्छा अच्छा,
लेकिन आपको कभी इंडिया टुडे से कभी किसी चीज की आप फोन करो, आप चैनल देखो, इसके हाँ? लिए पैसे देने के लिए आपको इंडिया टुडे की तरफ से या विशाल की तरफ से कभी नहीं कहा गया? नहीं नहीं,